नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने किया अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा। वहीं दूसरी तरफ कानपुर क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा निरंतर सराहनीय एवं सटीक सूचना से कानपुर क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी सफलता। पनकी से चल रहा था पूरे यूपी में अवैध शराब का कारोबार। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने अवैध शराब का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध शराब के बोतल, ढक्कन, रैपर और QR कोड होते थे तैयार। पनकी इंडस्ट्री एरिया में SK एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी में बन रही थी अवैध शराब। सूत्रों की माने तो अवैध शराब कानपुर के आसपास के सभी जिलों में की जा रही थी सप्लाई। कंपनी में बोतल और ढक्कन होते थे तैयार। हरियाणा और पंजाब से आता था शराब बनाने का केमिकल। प्रदेश के 20 जनपदों में होती थी बोतल की सप्लाई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खुलासा करने वाली टीम को दिया जाएगा इनाम। आपको बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री एरिया में SK एंटरप्राइजेस नामक कंपनी में काफी समय से भारी संख्या में अवैध शराब बनाई जा रही थी। सूत्रों की माने तो पनकी पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। शराब का चल रहा था अवैध कारोबार, लेकिन पनकी पुलिस को नहीं थी कोई जानकारी। आखिर क्यों? पनकी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। शराब नकली तौर से बनाई जा रही है और उसकी बोतल, पैकिंग, ढक्कन, स्कैन कोड सब चीजें पूरी पक्की बनाई जा रही हैं और उसको ऐसी जगहों पे बेचा जा रहा है जहां कहा जा रहा है कि ये लीगल सरकारी ठेके की शराब है। इस पे क्राइम ब्रांच कानपुर लगातार कार्रवाई करने का प्रयास कर रही थी और इसमें अब एक बड़ी सफलता मिली है। जो हमारे पीछे फैक्ट्री दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे शराब की बोतलों को बनाने का परमिट इनको मिला हुआ था, लेकिन केवल 2000 बोतल बनानी होती थी, किंतु ये 16000 प्रतिदिन बना रहे थे। जो शेष बोतल है उनके लिए ढक्कन, स्कैन कोड, लेबल आदि अन्य स्थान से लेकर के आते थे, इथाइल अल्कोहल को लाते थे, रंग लाते थे और फिर उसको शराब प्रॉपर बना करके नकली रूप से इसको बेच देते थे। इस संबंध में जो कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं, पीछे से बोतल का ढक्कन, स्कैन कोड, लेबल ये कहाँ से आ रहे थे, इसकी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां होंगी। बड़ी संख्या में यहाँ से शराब आसपास के जिलों को सप्लाई हो रही थी। जो खरीदने वाले हैं उनके हमें बहुत सारे डिटेल मिले हैं, उनके लिए अन्य जनपदों में हम दबिश डलवा रहे हैं जिससे कि वहां पर रिकवरी हो और कहीं पर इस तरह की नकली शराब जो सप्लाई हुई है लोग पीने से बचें, जिससे कोई घटना ऐसी ना हो।